फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वॉज द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल पब्लिश्ड। ऑप्शन आपको दिए गए 1526, 1564, 1539 या 1611। इसका सही आंसर है 1611, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल आपका 1611 में पब्लिश हुआ था। इसी को ही हम लोग ऑथेंटिक वर्जन ऑफ बाइबल भी कहते हैं। बात अगर करूँ ऑप्शन नंबर बी यानी 1564 की, तो इसे देखिए आपको शेक्सपियर का लाइफ टाइम याद आ रहा होगा, जो कि 1564 से डैश कितने तक का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि शेक्सपियर का लाइफ टाइम 1564 टू कितना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज गुरुबुडक बिलोंग। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मॉरलिटी प्लेस, सेनिकन ट्रेजेडी, फार्स या एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। इसका सही आंसर है, आपको ये बात पता होगी कि जो आपका गुरुबुडक है ये फेमस एग्जाम्पल है किसका, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी सेनिकन ट्रेजेडी का। गुरुबुडक जो कि एक सेनिकन ट्रेजेडी है, सेनिकन ट्रेजेडी का ये मतलब होता है ये आपका सेनिका के द्वारा लिखी जाती थी। कब लिखी जाती थी? सेनिका के द्वारा लिखी जाती थी और ये फर्स्ट सेंचुरी में लिखी जाती थी। बट उसके बाद यही जो ट्रेजेडी थी ये फिर से आपका रीडिस्कवर्ड हुई, और कब डिस्कवर्ड हुई? 15th और 16th सेंचुरी में। यानी अगर मैं आपसे पूछूँ कि सेनिकन ट्रेजेडी कौन सी एज में पॉपुलर हुई थी, तो उसका सही आंसर होगा आपका एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज में परफॉर्म की जाती थी आपका सेनिकन ट्रेजेडी। सेनिकन का मतलब होता क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो ट्रेजेडीज होती थी ये आपका 9 पार्ट्स में लिखी जाती थी, और इन्हीं को हम लोग रिवेंज ट्रेजेडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवेंज ट्रेजेडी भी हम सेनिकन ट्रेजेडी को बोलते हैं। और इसमें एक ख़ास बात यह होती है, जो सेनिकन ट्रेजेडी होती है ये बॉडी होती है 9 क्लोजेड ड्रामा की। 9 क्लोजेड ड्रामा की इसमें बॉडी होती है, किसमें? सेनिकन ट्रेजेडी में। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर ए की ओर। ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिया गया है मॉरलिटी प्ले, मॉरलिटी प्ले इसका मतलब होता है जिसमें आपको वर्च्यूज और वाइसेज आपको दिए रहते हैं, यानी जो आपके संस्कार होते हैं जिनमें आपको मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं उनके बारे में बताया गया होता है आपका मॉरलिटी प्लेज में। मॉरलिटी प्लेज की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका 15th और 16th सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं, यानी एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज में आपको मॉरलिटी प्लेज देखने को मिलते हैं। मॉरलिटी प्लेज का फेमस एग्जाम्पल आप सभी को पता होना चाहिए, एवरी मैन करके एक फेमस एग्जाम्पल आता है किसका? मॉरलिटी प्लेज का। बात अगर मैं करूँ मॉरलिटी प्ले की, तो मॉरलिटी प्ले किस एज में आपका इनको परफॉर्म किया जाता था? उसका सही आंसर होगा आपका किस एज में? एलिजाबेथन एज में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी फार्स की, तो फार्स का मतलब एक तरीके से एग्जेजरेटेड कॉमेडी से होता है, यानी जिसमें आपका बहुत ही हाई लेवल की आपकी कॉमेडी देखने को मिलती है उसे हम लोग फार्स कहते हैं। या अगर मैं आपसे कहूँ जब आपको हाई लेवल की एग्जेजरेटेड फनी सिचुएशन आपको जिस कॉमेडी में देखने को मिलती है उसे ही हम लोग फार्स बोलते हैं। फार्स के एग्जाम्पल में आपको कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे ऑस्कर वाइल्ड का एक प्ले था द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अननेस, और शेक्सपियर का द टेमिंग ऑफ द श्रू, और ओलिवर गोल्डस्मिथ का सी स्टूप्स टू कॉन्कर। ये फेमस एग्जाम्पल हैं किसके? फार्स के, यानी हाई लेवल एग्जेजरेटेड कॉमेडी के। नेक्स्ट पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी यानी एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी की ओर। एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का रिलेशन आपका एरिस्टोटल से है, ये आप देख पा रहे होंगे। एरिस्टोटल ने जैसा कि आपको बताया ट्रेजेडी के मेन पार्ट भी उन्होंने बताए थे कि कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ता हूँ अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इन्हीं से रिलेटेड आपने एक और वर्ड सुना होगा जिसको हम लोग मिस्ट्री प्ले के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिस्ट्री प्ले के नाम से। मिस्ट्री का मतलब होता है आपका क्या? रहस्य। और मिस्ट्री प्ले का जो फेमस एग्जांपल है आपका द लव ऑफ किंग डेविड, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेबा। ये आपका मिस्ट्री प्ले का एग्जाम्पल है जो कि जॉर्ज प्ले ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स वॉज रिटन बाय। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं चौसर, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर या जॉन फ्लेचर। इसका सही आंसर होगा जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स था ये लिखा था आपका जॉफरी चौसर ने। किसने लिखा था? जॉफरी चौसर ने, जिन्हें कि आप लोग फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, और इन्हीं को जॉफरी चौसर को ही ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। कि नहीं, जॉफरी चौसर को। ये एक नया और बेसिक सा पॉइंट होगा आप सभी के लिए। बढ़ता हूँ मैं ऑप्शन नंबर बी यानी फिलिप सिडनी की ओर। इससे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूँ, हमारा एक अपना एलटी इंग्लिश का कोर्स चल रहा है जो कि पूरा और पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। और इस कोर्स में आपको क्या होगा, आपको लगभग आपको 50 क्लासेस वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी, और इन 50 क्लासेस में आपको 10 एमसीक्यू डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताए गए होंगे। ये एमसीक्यू आपको इसी मेथड से बताए जाएंगे जैसे इस वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन को किस तरीके से उसके ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताया जा रहा है। और ये एमसीक्यू ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, इसमें उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी राइटर आपके लगे हैं और उनके जितने भी आपके प्लेस वगैरह हैं उन्हीं पे बेस्ड आपके एलटी ओरिएंटेड ये एमसीक्यू हैं।
ये लेक्चरर वालों के लिए भी नहीं लेकिन एलटी वालों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि सभी उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को इसमें कंबाइन किया गया है और आपके ऑप्शंस भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके ऑथेंटिक होंगे बिल्कुल एलटी के एग्जाम के लिए। जितना जल्दी हो सकता है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जैसे भी आप तक ये लिंक पहुँचा है, आप जब चाहें आप तब इस वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको पर डे का आपको एक एक लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें से आप डेली के डेली 10 MCQ देखेंगे और वो 10 MCQ ही नहीं, आप उनके चार ऑप्शंस को भी एलेबरेट किया जाएगा और हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे। लगभग 3 या 4 पॉइंट्स हर एक ऑप्शन के बारे में बताए जाएंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी उन ऑप्शंस के बारे में बताए जाएंगे। यानी लगभग आपके एक दिन में अगर आप 4 ऑप्शन भी लेते हैं तो 40 CA क्वेश्चंस हुए, और हर एक ऑप्शन के अगर मैं मिनिमम आपको 3 चीज़ें भी बताता हूँ तो आपके 120 से लेकर 150 फैक्ट आपके एक दिन में तैयार होंगे और यही फैक्ट आपके रिवाइज होते जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम होने तक। इसमें आपको 50 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। पूरे कोर्स की फीस आपका 2000 रुपीज़ है और लास्ट में आपको यही मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी फिलिप सिडनी। अगर बात करूँ फिलिप सिडनी की तो ये बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन ए से, और फिलिप सिडनी के फेमस वर्क में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनमें एक रिपीटेडली वर्क है जिसका नाम है आपका RKDR, दूसरा वर्क होगा आपका एस्टोफल एंड स्टेला, और तीसरा वर्क है आपका द डिफेंस ऑफ पुइजी। द डिफेंस ऑफ पुइजी इसे आप लोग द डिफेंस ऑफ पोइट्री भी कहीं कहीं पे देखेंगे। द डिफेंस ऑफ पुइजी भी फिलिप सिडनी का वर्क है। बेसिक सा क्वेश्चन ये बनता है कि फिलिप सिडनी कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, उसका सही आंसर होगा एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है 1558 से लेकर के 1603 का होगा। मैंने आपको एलिजाबेथन एज में जो बेसिक फिगर बताए थे उसमें मैंने आपको दो राइटर्स के मेन नाम बताए थे एलिजाबेथन एज में। एक तो था आपका विलियम शेक्सपियर, दूसरा था आपका कौन सा फ्रांसिस बेकन। विलियम शेक्सपियर की बात करूं यानी ऑप्शन नंबर सी की, तो विलियम शेक्सपियर जो कि मैंने अभी आपसे इनका डेट ऑफ स्पैम पूछा है। दूसरी बात, विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं अपने 4 ग्रेट ट्रेजेडी के लिए। होकम की मैं बात कर रहा था, H फॉर आता आपका हेमलेट, O फॉर आता आपका ओथेलो, और K फॉर किंग लियर, और M फॉर मैकबेथ। इसमें से आपका जो मैकबेथ है ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की, और जो हेमलेट है वो लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। बात करूँ आपका शेक्सपियर की फोलियो की, जो कि अक्सर रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट फोलियो इनका आया था वो आया था 1623 में। कब आया था? 1623 में। और ये कितने प्लेस के साथ आया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन फ्लेचर की अगर बात की जाए, इनके आपने केवल दो ही वर्क याद रखने हैं। एक तो उनमें आएगा आपका कौन सा फिलास्टर, PHILASTER फिलास्टर, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है वो है आपका टू नोबल किन्समैन। क्या बताया मैंने? टू नोबल किन्समैन। आपने इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपने जॉन फ्लेचर के बारे में इतना याद रखना है कि टू नोबल किन्समैन और जो आपका फिलास्टर नाम के जो वर्क हैं वो दोनों ही किसके हैं? जॉन फ्लेचर के हैं, और ये भी बिलोंग करते हैं आपका एलिजाबेथन ए से। इसका सिंपल सा मतलब हुआ फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर, ये तीनों ही राइटर को आप कंटेम्प्रेरी राइटर भी कह सकते हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जो उसी एज में और उसी राइटर के आसपास बिलोंग करते हों। नेक्स्ट आता है आपका 15 क्वेश्चन, हु वॉज डिस्क्राइब्ड एज द पोएट्स पोएट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी और जॉन मिल्टन। इसका सही आंसर है पोएट्स पोएट के नाम से हम किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर की अगर मैं बात करूँ, जिनका एक वर्क और फेमस वर्क है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसका नाम आपका एमोरेटी करके इन्होंने वर्क लिखा था एडमंड स्पेंसर ने। जो भी प्लेट के आसपास स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको कुछ बताया था एडमंड स्पेंसर के बारे में, 2 पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एडमंड स्पेंसर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर ई यानी बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो कि जाने जाते हैं अपने वर्क, बेन जॉनसन के फेमस प्लेस की अगर बात करूँ तो फर्स्ट आएगा आपका एवरी मैन ऑफ हिज ह्यूमर, दूसरा जो इनका इंपोर्टेंट है वो है आपका अ टेल ऑफ अ टब, तीसरा आपका सिंथियाज रिवल्स और द प्रोइटास्टर। ये इनके इंपोर्टेंट वर्क हैं। अगेन आई रिपीट, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, अ टेल ऑफ अ टब, सिंथियाज रिवल्स और द प्रोइटास्टर। ये वर्क आपने इन फिंगर याद रखने हैं जो बेन जॉनसन के फेमस वर्क हैं। ज़्यादा डीप में आपने बेन जॉनसन के नहीं जाना है एलटी के लेवल पे। और एक इनका कन्फ्यूजिंग वर्क आता है अ टेल ऑफ अ टब, और दूसरा वर्क आता है आपका द टेल ऑफ अ टब जो कि एक प्रोज वर्क है। इन दोनों वर्क में क्या डिफरेंस है अगर आपको पता हो तो आप बताएं, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर सी यानी फिलिप सिडनी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था आर्केडिया वर्क इनका जाना जाता है, आर्केडिया के लिए इन्हें जाना जाता है फिलिप सिडनी को, जो कि एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। जॉन मिल्टन की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें आपका द लास्ट मैन ऑफ रिनेसेंस कहा जाता है, लास्ट रिनेसेंस के नाम से भी हम जॉन मिल्टन को जानते हैं, जिन्हें कि पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाना जाता है। और लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन किसे कहा जाता है ये आप मुझे बताएंगे, जो पेड क्लास हासिल वाले हैं उन्हें इन सब टर्मोलॉजी में आपको डिफरेंस बताया गया है।
जॉन मिल्टन की अगर बात करूँ पैराडाइज लॉस के लिए इनको जाना जाता है। इसके साथ साथ ऑन हिज ब्लाइंडनेस करके भी इनका एक वर्क है। क्या वर्क है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक चीज़ का फेमस एग्जाम्पल है। मैंने आपको इटालियन सोनेट और पेट्रार्चियन सोनेट वाले में इसका एग्जाम्पल दिया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक फेमस एग्जाम्पल आपका पेट्रार्चियन सोनेट यानी इटालियन सोनेट का, जो कि किसने लिखा? आपका जॉन मिल्टन ने लिखा है। इटालियन सोनेट की बात आई है, पेट्रार्चियन सोनेट की भी बात आई है, तो इसमें 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का एक सस्टेट होता है। अब्बा अब्बा सी डी ई करके आपको इसकी राइम स्कीम पता होनी चाहिए, किसकी? आपका इटालियन सोनेट या पेट्रार्चियन सोनेट की। एक सोनेट वर्ड्स का फॉर्म भी आपका इमर्ज हुआ था किससे? मिल्टन से, जिसे हम लोग मिल्टोनिक सोनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मिल्टोनिक सोनेट के नाम से। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन नंबर ई, बेन जॉनसन के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिलिप सिडनी और जॉन मिल्टन। ये क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। बढ़ता हूँ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 में जाने से पहले अगर आपको चीज़ें लगती हैं कि आपके फेवर में हो रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। मेरी वीडियो लेट माने का केवल एक ही रीज़न है, मैं तब तक आपके लिए नई वीडियो नहीं लाता हूं, जब तक मुझे 5 शेयर अपनी वीडियो में नहीं देखने को मिलते हैं। 50 लाइक्स का एक छोटा सा टारगेट मैंने आपको दिया रहता है। ये दो टारगेट आपको पूरे करने होते हैं, जिसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में इसी तरीके के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगेन आई रिपीट, 50 लाइक्स का मेरा टारगेट रहेगा और आपके 5 शेयर अगर आपके हो जाएंगे तो फिर से आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज रोमांस आर्केडिया। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जोनाथन स्विफ्ट, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर या थॉमस मोरे। ये बेसिक सा क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में, जो कि मैं अभी तक मैं आपको रिपीटेडली इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। इसका सही आंसर है जो प्रोज रोमांस है वो फिलिप सिडनी ने दिया है, जो कि एक क्या है आपका आर्केडिया नाम का प्रोज रोमांस फिलिप सिडनी ने दिया है। फिलिप सिडनी जो कि एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। अगेन अगर आप इनके वर्क्स को रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। मैंने आपको बताया था एस्टोपल एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोइजी और आर्केडिया नाम के वर्क हैं फिलिप सिडनी के। नेक्स्ट आता है आपका जोनाथन स्विफ्ट की अगर मैं बात करूं तो जोनाथन स्विफ्ट का आपने बेसिक सा पॉइंट याद रखना है, जोनाथन स्विफ्ट और इसके कंपैरिजन में आप डब्ल्यू बी ईट्स लिखें। ये दो ऐसे राइटर हैं जो कि आपके एलटी के एग्जाम में श्योरली पूछे जाने हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन जरूर इन दोनों में से एक राइटर का बनेगा, वो बनेगा कि जोनाथन स्विफ्ट और डब्ल्यू ईट्स की जो आपकी नेशनलिटी है वो क्या है। वो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक आयरिश पोएट हैं, जोनाथन स्विफ्ट और विलियम बटलर ईट्स। आपको ऐसे ही 4 पोएट देके आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक इंग्लिश पोएट नहीं है, विच वन इज़ नॉट एन इंग्लिश राइटर। अगर आपको जोनाथन स्विफ्ट दिया होगा, मुझे पता है आपने पढ़े बहुत हैं, गुलिवर ट्रेवल्स नाम के इनका एक फेमस वर्क है, लिलीपुटियन नाम का जिसमें करेक्टर है, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन आपको ये नहीं पता होगा ज़्यादातर को कि जोनाथन स्विफ्ट की नेशनलिटी क्या है। इसका सही आंसर होगा आपका एक आयरिश राइटर हैं और इन्हें ही हम लोग आयरिश प्रीस्ट के नाम से जानते हैं। अगेन आई रिपीट, आयरिश प्रीस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? जोनाथन स्विफ्ट को। नेक्स्ट आता है आपका एडमंड स्पेंसर, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं? मैंने अभी आपको बताया है पोएट्स पोएट इन्हें कहा जाता है, एडमंड स्पेंसर को, और जो इन्हीं के नाम पे आपका स्पेंसेरियन स्टेंजा करके एक स्टेंजा भी ईजाद हुआ था एडमंड स्पेंसर के नाम पे। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा किसने था? वो कहा था आपका चार्ल्स लैम ने। चार्ल्स लैम ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा था। थॉमस मोरे की अगर बात करूं तो इनका एक बहुत ही फेमस प्रोज वर्क है, जिसे हम लोग यूटोपिया के नाम से जानते हैं, वो किसके? आपका थॉमस मोरे का। यूट्यूब के नाम का एक आपका पोइट्री कलेक्शन भी है। फिलहाल आपने बस ये ध्यान रखना है कि थॉमस मोरे रिलेटेड करते हैं आपके यूटोपिया से। थॉमस मोरे के बारे में भी आपने एक बेसिक सा फैक्ट ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको जोनाथन स्विफ्ट और डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में बताया कि ये भी एक क्या है आपके आयरिश राइटर हैं। दूसरी बात इनकी एक फेमस पोएम भी है, जो कि इन्होंने किसके कहने पे लिखी थी? लॉर्ड बायरन की एडवाइस पे लिखी थी, जिसका नाम है आपका लाला रुख, LALLA लाला RUU के लाला रुख नाम की इनकी पोएम है, किसकी? थॉमस मोर की। ये बिलोंग करते हैं आपके रोमांटिक एज से, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, डैश अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, हुज वर्ड्स आर दीज। यानी ये वर्ड किसके हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू ऑनॉर, टीएस इलियट और जॉन ड्राइडन। इसका सही आंसर है टीएस इलियट ने वर्ड कहे हैं, अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस बट इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। टीएस इलियट जो कि आपको पता है, जो कि मॉडर्न एज के राइटर हैं 20th सेंचुरी की, जो कि जाने जाते हैं अपने फेमस वर्क द वेस्टलैंड के लिए। टीएस इलियट का एक वर्क था जो कि आपका द मेटाफिजिकल एसेज करके, उसमें उन्होंने इन लाइंस को यूज़ किया है जॉन डन के लिए। आज की वीडियो में मैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा इसी क्वेश्चन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।